Hello entertainment junkies, today is 22nd of October and we have an amazing celebrity's birthday to celebrate. If you don't know, let me spill the beans. It's actor singer Pariniti Chopra's birthday. She has turned 36 today, so what's better occasion than re-watching her top hit movies? So today I am going to tell you about top 5 best films of Pariniti Chopra that are a must watch. On number 1 we have Amar Singh Chamkila. ये मूवी पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की जिंदगी पर बेस्ड है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने अमर सिंह चमकीला का रोल प्ले किया है, वहीं परिणीति ने उनकी वाइफ अमरजोत का किरदार निभाया है। फिल्म के लिए परिणीति ने 6 महीने में 16 केजी वेट भी गेन किया है, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। एंड नॉट टू फॉरगेट, शी ऑल्सो सैंग पंजाबी ट्रैक्स इन द फिल्म, विच वर लव्ड बाय द ऑडियंस। ऑन नंबर 2 वी हैव हसी तो फसी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा निखिल का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसको अपनी फियांसी की सिस्टर मीता से प्यार हो जाता है, जिसका रोल परिणीति ने प्ले किया है। द केमिस्ट्री बिटवीन टू ऑफ देम इज अ स्टैंड आउट फीचर ऑफ हसी तो फसी। ऑल्सो इस फिल्म के गाने भी लोगों को काफ़ी पसंद आए थे, जैसे कि जहन नसीब। तो इन शॉर्ट ये फिल्म परिणीति की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म तो ज़रूर है। और नंबर 3 वी हैव इशक ज़ादे। परिणीति का असली ब्रेक थ्रू तो इस फिल्म से हुआ था। इशक ज़ादे में परिणीति ने जोया का बोल्ड और फियर्स कैरेक्टर प्ले किया था, जो अपने फादर की तरह पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती थी, और साथ ही फिल्म में अर्जुन कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री नेक्स्ट लेवल थी। परिणीति ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस किया था और इसी के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। और नंबर 4 वी हैव गोलमाल अगेन। This was the first movie of Pariniti Chopra to enter the 100 crore club. Pariniti ने अपने इस फिल्म में एक यंग गर्ल का रोल प्ले किया था, जो मरने के बाद भूत बनकर वापस आती है। उनकी इस स्पेक्टैकुलर परफॉर्मेंस और कॉमिक टाइमिंग ने ऑडियंस को काफ़ी इम्प्रेस किया था, और इस फिल्म ने उनके करियर ग्राफ को एलिवेट करने में भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था। और नंबर 5 वी हैव शुद्ध देसी रोमांस। जब लव ट्रायंगल की बात आती है और इस मूवी के बारे में बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत, वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के बीच एक लव ट्रायंगल है, जहां रघु अपनी शादी से भाग जाता है और गायत्री से मिलता है, जो उसकी लिव इन गर्लफ्रेंड बन जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद रघु का सामना तारा से होता है, वही लड़की जिसे उसने शादी पर छोड़ दिया था। तो ये एक फन रोमांटिक फिल्म है जहाँ मूवी को काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इन सब में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए फॉलो करते रहे DNA।